नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं यहाँ पे बाबा ज्वेलर्स पे आया हूँ जो कि कराड़ में है और उनकी दुकान आज़ाद चौक कराड़ में है यहाँ पे। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वन ग्राम ज्वेलरी में ज्वेलरी का उनका जो बिजनेस है उसमें उन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया और जो हमारे नए दोस्त इस धंधे में आना चाहते हैं वो इस धंधे में कैसे आ सकते हैं उनको वो आज मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए देख चलते हैं कदम जी जो कि हमारे दोस्त हैं उनसे बात। नमस्ते राज सर। नमस्कार जी। तो आज हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे ये वन ग्राम ज्वेलरी के बारे में जो कि हमारे दर्शकों के लिए आने वाले उनके बिजनेस के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने इस वन ग्राम में शुरुआत कब की? तकरीबन आज 13-14 साल हो गए, साधारण देखा जाए तो 2006-07 में शुरुआत करी थी। अच्छा, तो पहले तो मेरे ख्याल से आप गलाई धंधे में थे, उसके बाद आपने ये वन ग्राम की लाइन चालू की, तो गलाई छोड़ के आप ये धंधे में क्यों आए, इसके बारे में ज़रा बताइए। गलाई व्यवसाय जो था दिल्ली में था, हमारा पिताजी ने 1972-73 के आसपास चालू किया था, लेकिन जब गलाई व्यवसाय में कोई इनकम या बिजनेस में मज़ा नहीं रहा तो सोचा अब अपने एरिया में चलते हैं, अपने राज्य में चलते हैं, अपने घर में चलते हैं, तो वहाँ पे क्या करा जाए। तो वन ग्राम रिलेटेड अच्छा लगा बिजनेस, क्योंकि इसमें अपने को नया नया कुछ करने की आदत है तो नई नई वैरायटी इसमें देखने को मिलती हैं, कस्टमर से लिंक फेस टू फेस लिंक होता है, वॉइस टू वॉइस टॉकिंग होती है, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इस बिज़नेस को ही अपनाया। आप वन ग्राम का होलसेल भी करते हैं क्या? जी हाँ, हम होलसेल भी करते हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं इसलिए हम होलसेल भी करते हैं और तकरीबन 7-8 साल हो गए होलसेल चालू किया हुआ। बहुत सारे ज़िले अपने अंडर में काम करते हैं, जैसे सातारा ज़िला हो गया, कोल्हापुर ज़िला हो गया, सांगली ज़िला हो गया, सोलापुर ज़िला हो गया, पुणे ज़िला हो गया एक्स्ट्रा। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वन ग्राम में कितना फ्यूचर है इस धंधे का, आगे के बारे में बताइए। वन ग्राम में अगर फ्यूचर देखा जाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप बिजनेस चालू करना चाहते हैं, किस प्रकार चालू करना चाहते हैं। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर है, क्यों है कि भैया आज की डेट में गोल्ड का भाव 50,000 प्लस 10 ग्राम का रेट चालू है, तो कौन सोना खरीद रहा है? जिनके पास पैसा वही खरीद रहा है, जिनके पास नहीं है, किसी की लड़की की शादी हो गई है वो सोना खरीद नहीं सकता, तो वन ग्राम की ज्वेलरी खरीद के ले जा रहा है और पहना रहा है। जहाँ इंसान 10 ग्राम की चीज खरीदता था पहले 30,000 रुपये की आती थी, अब 60,000 रुपये हो गई, तो वजन के हिसाब से देखा जाए तो 5 ग्राम घट गया ना, तो 5 ग्राम में क्या पहनाएगा वो, तो इसलिए 1 ग्राम में फ्यूचर है और रहेगा। तो हमें ये बताइए, अभी आपका ये शॉप है कराड़ में, इसमें आपने यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी रखी है? हमारे पास यहाँ पे साउथ इंडियन वैरायटी है, बाद में आपका राजस्थानी आइटम है और गुजराती आइटम भी हम रखते हैं, और सबसे जो महाराष्ट्र में ज्वेलरी है तो महाराष्ट्रन पैटर्न तो सबसे बेस्ट है, उसमें आपको खुशी सास कोल्हापुरी ज्वेलरी, बेलगांव का पैटर्न, टम्बुनी वगैरह, बहुत सारी मंगलसूत्र की वैरायटी, बैंगल्स, कलकत्ता स्पेशली, नाम भूल गया मैं, कलकत्ता बैंगल्स भी बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीरियलों में आप देखते होंगे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। क्यों बिकती हैं? क्योंकि सबसे पहले वो सीरियल में ज्वेलरी ऐड करी जाती है, अगर आप किसी हीरोइन के गले में या सीरियल में जो भी काम करते हैं उनके गले में देखते हैं तो उसी चीज़ को देख के कस्टमर एक्टिव होता है और मार्केट में जाके बाय करता है। अच्छा, तो हमारे जो बेरोज़गार युवा है जो कि ये धंधे में आना चाहते हैं, ये बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या है? अगर आप मन से किसी भी लाइन में, मैं वन ग्राम की नहीं, किसी भी लाइन में आप अगर आना चाहते हैं, समझ लीजिए मैं आज वन ग्राम की बात कर रहा हूँ तो वन ग्राम की टॉपिक की बात करूँगा, अगर आप वन ग्राम के बिज़नेस में आना चाहते हैं सबसे पहले आप ये गोल निश्चित कर लीजिए कि यहाँ पे आपको हार नहीं माननी, क्योंकि आज चालू किया तो एक दिन में कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। सचिन तेंदुलकर हो या अमिताभ बच्चन हो, किसी ने पहली फिल्म से या पहले मैच से ही सेंचुरी नहीं बनाई या पहली पिक्चर ही सुपरहिट नहीं हुई, तो इसी तरह आपको पैशन रखना पड़ेगा, एक साल दो साल, सबसे पहली चीज़ तो इसके ऊपर मैं कभी फिर कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा स्टेप टू स्टेप कैसे शुरुआत करी जाए,
आज की डेट में अगर युवा आना चाहता है तो युवा के लिए वेलकम है, वो आ सकता है, वो खोले। मार्गदर्शन चाहिए हो तो मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करके या किसी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मैसेज करके आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। अच्छा, और रही बात अगर कोई ग्राहक आपसे 1 ग्राम ज्वेलरी खरीदता है और वो बाद में 6 महीने 1 साल के बाद वो जब पुरानी होती है तो उसका आप क्या करते हैं, जो रिटर्न आता है उसका, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, ये बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि ये ज्वेलर्स वाले जो 1 ग्राम के हैं या इमिटेशन वाले हैं, पुरानी ज्वेलरियाँ करते क्या हैं। बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि ये इसी को पॉलिश करके बेचते होंगे, तो भैया ऐसा नहीं है। अगर आप 1 ग्राम ज्वेलरी है तो उसको स्क्रैप में डाला जाता है, उसको मेल्ट करके उसकी एक पत्ती तैयार करी जाती है, फिर उसकी नई ज्वेलरी में कन्वर्ट किया जाता है, जो उसमें गोल्ड होता है उसको निकाल लिया जाता है। तो इसलिए पुराने ज्वेलरी का भी यूज़ होता है, लेकिन नई इसको ज्वेलरी बनाने के लिए, उसी चीज़ को पॉलिश करके बेचने का बहुत लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन मार्क रहता है उनको कि ये ऐसे ही बेचते होंगे। नहीं, कोई नहीं बेचता। अच्छा, क्या ये 1 ग्राम ज्वेलरी बाद में पॉलिश हो सकती है या उसको पॉलिश कर सकते हैं अपन? अगर आप 1 ग्राम ज्वेलरी की बात करें तो पॉलिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि गिलिट किया जाता है, गिलिट की वजह से पॉलिश होती है। और ये जो माइक्रो प्लेटिंग होती है ज्वेलरी, ये भी पॉलिश होती है। इमिटेशन ज्वेलरी है वो भी पॉलिश होती है, लेकिन अगर आप इमिटेशन की ज्वेलरी की बात करें, 100 रुपये की चीज़ है, पॉलिश के लिए 150-200-250 रुपये खर्चा आता है। तो 1 ग्राम और माइक्रो ज्वेलरी ही खाली परवड़ती है, वही पॉलिश आप करेंगे तो वो आप प्रॉफिट में रहेंगे, बशर्ते इमिटेशन ज्वेलरी ना हो। अगर इमिटेशन ज्वेलरी पॉलिश कराना चाहते हैं तो ना कराएं। लेकिन आपने सवाल पूछा, 1 ग्राम ज्वेलरी पॉलिश होती है तो होती है। अच्छा, उसके चार्जेस भी बताइए हमारे दर्शकों को। डिपेंड करता है, अगर समझ लीजिए आप रेगुलर मंगलसूत्र है या रेगुलर बिल्वर सेट है या बांगड़ी है या चैन है, ब्रेसलेट है, स्टार्टिंग रेट देखा जाए तो 250 से 300 है, और ज़्यादा ब्रॉड है तो फिर 300, 400, 500। अब मालाएँ होती हैं, कई लोग सोचते हैं माला का रेट क्यों, एक लाइन की माला है तो 150 रुपये, 2 लाइन की माला है तो 300 रुपये, अगर 3 लाइन की माला है तो 150, जितनी लाइन बढ़ती जाएगी उतना 150 रुपये प्लस होता है। अच्छा, यहाँ जो 1 ग्राम के होलसेल मार्केट है जो कि हमारे मेट्रो सिटीज़ में है, मुंबई में है, और कहाँ कहाँ पे, जो कि हमारे जो युवा चालू करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बताइए। अगर आप समझ लीजिए दिल्ली में है, दिल्ली में आपको बता दूँ सदर बाजार है, बॉम्बे में है तो बॉम्बे वालों को पता है कि होलसेल मार्केट कहाँ है, बेंगलोर में है उनको भी पता। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, हर मेट्रो सिटी में या छोटे शहरों में किसी भी 1 ग्राम हो, इमिटेशन हो, सबकी होलसेल मार्केट आपको वहाँ मिलेगी। या आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली दिख जाएगा। जो अभी हमारे युवा है, समझो कोई बिजनेस चालू करना चाहता है, तो शुरुआत में उसकी लागत कितनी आती है या कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एक धंधा चालू करने के लिए? जैसे कई लोग क्या होते हैं, सबसे पहली तो आपको ये नोटिस करना चाहिए कि आप एक ऐसे एरिया में दुकान लें जहाँ वो मार्केट हो, वहाँ पे आवाजाही, लोगों की भीड़ भड़का दिखता रहे। एक तो उस एरिया में आपकी मार्केट में दुकान होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी गलती कई लोग कर जाते हैं कि फर्नीचर में 5 से 10 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इतना खर्चा करने की, आप 1 लाख से 1.5 लाख में भी फर्नीचर बढ़िया बना सकते हैं। इसमें 1 ग्राम या डुप्लीकेट ज्वेलरी में आपको फर्नीचर सोने की तरह आकर्षित दिखना ज़रूरी नहीं है, आपका जो बाहर का मेन डिस्प्ले है वो बढ़िया दिखना चाहिए। और खर्चा अगर आप फर्नीचर की बात करें तो 1 लाख रुपये अगर आपके फर्नीचर में चले गए, आपने दुकान भाड़े पे ले रखी है, तो आपको 50,000 से 1 लाख रुपये डिपॉजिट हो गया, 2 लाख रुपये आपके यहाँ खर्च हो गए, और बाकी रहा इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में तो मिनिमम 5 लाख रुपये आप पकड़ के चलिए, 7 लाख में आप भैया बिजनेस 1 ग्राम का चालू कर सकते हैं। गोल्ड में तो भैया आपको 1 करोड़ भी कम पड़ेगा। अच्छा, तो इस धंधे में अपने घर के लोग हमें इस कैसे मदद कर सकते हैं इस धंधे में, जो कि आगे बढ़ाने के लिए, या अपने दुकान की कोई सहायता या उसके हिसाब से बताइए। बहुत ही इजी है, क्योंकि हर ज्वेलरी पैकेट पे MRP लिखी हुई होती है। खाली घर की लेडीज़ें, जैसे मेरी मिसिज भी दुकान में बैठती है, हैंडल करते हैं, बच्चा 11th में वो भी बैठता है, हैंडल करता है। इजी है,
चीज़ आपको पता है, रेट लिखे हुए हैं, आपने डिस्काउंट उनको बता रखा होता है, और कम ज़्यादा के लिए अपने पिता से, अपने पति से वो संपर्क करके कम ज़्यादा रेट इजीली, मतलब सोने की तरह ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि इसका टंच कितना लगाना है या पुराना रिटर्न आ गया क्या करना है, ये सब MRP का खेल है, कोई भी समझ सकता है इस चीज़ को। अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या बताना चाहेंगे 1 ग्राम के बारे में? बहुत लोगों की धारणा है कि 1 ग्राम ज्वेलरी में खराबी जल्दी आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। 1 ग्राम ज्वेलरी के 5 फायदे आपको मैं बताता हूँ। पहला फ़ायदा है, सोने का भाव बढ़ गया है, आप सोने की ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपये खर्चा करेंगे तब जाके आप बढ़िया ज्वेलरी पहनते हैं। यहाँ आप 2-4 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बढ़िया ज्वेलरी पहन लेते हैं, 1-2 साल वो खींच जाती है। दूसरा, चोरी का खतरा, अगर आप किसी 1 ग्राम की ज्वेलरी पहन के जा रहे हैं, चोर को लगा सोने के, उसने छीना झपटी से छीन ली, लेकिन वो आपकी 2-4 हज़ार की है, ज़्यादा आपको रोने की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट अगर आप ज्वेलरी में करेंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड में, तो वो बेस्ट है, लेकिन आप शौकिया तौर पे अगर पहनना चाहते हैं तो 1 ग्राम ज्वेलरी बेस्ट है। और चौथी चीज़, इमिटेशन है या माइक्रो है, आज बैंगल्स सबसे ज़्यादा भारत में बैंगल्स इमिटेशन ज्वेलरी के बिकते हैं। अगर आप 130 करोड़ अपने देश की लोकसंख्या है, तो आप ये सोचिए कि हर महीने 150 करोड़ बैंगल्स सप्लाई होते हैं, लोकसंख्या से भी ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में। ऐसा क्यों? शौकिया तौर पर भैया, रोज़ इतना माल बनता है, रोज़ इतना माल बिकता है। किसी आप 130 करोड़ में से 90% लेडीज़ों के हाथ में देखेंगे तो इमिटेशन बैंगल्स ही मिलेंगे, खाली 10% है जो 1 ग्राम के बैंगल्स या सोने के बैंगल्स पहनते होंगे, लेकिन 90% बेंटेक्स के बैंगल्स बिके जाते हैं, बाकी रानियार वगैरह ये सब 1 ग्राम में ही बिकता है, 1 ग्राम में ही पहनते हैं लोग। क्यों? क्योंकि बैंगल्स दिखने में सोने जैसे दिखते हैं, बेंटेक्स हो या 1 ग्राम हो, लेकिन जो बाकी ज्वेलरी होती है वो खाली 1 ग्राम में ही पहनेंगे तो ही सोने जैसी लगेगी। धन्यवाद राज कदम सर जी। नमस्कार जी, मैं राज कदम, ये हमारे YouTube चैनल में हमारे मित्र कराड़ के प्रतिनिधि निकम सर, इन्होंने कहा कि आज आपकी मुलाकात ली जाए, तो इसीलिए डिस्कस करने के लिए, पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ आए, तो मैंने कहा ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया, पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर कुछ कोई सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और हमें भी आपके एक सब्सक्राइबर से एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हमें कुछ नया करने के लिए बराबर मिलता है।